इसराइली दरिंदगी बर्बरियत और आम इंसानों पर वहशियाना हमलों के खिलाफ आज नेहरू पार्क पर एसआईओ निजामाबाद की ज़ेर क़यादत एक जबरदस्त एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया, जिसमें एसआईओ के तमाम जिम्मेदारान व अराकीन के अलावा दिगर ने हिस्सा लिया। कांग्रेस कायद मोइन यूनुस ने भी एहतजाज में हिस्सा लिया। इस एहतजाजी धरने और रैली की क़यादत सदर सिटी एसआईओ इरफान खान ने की। इरफान खान ने कहा कि इसराइली हुकूमत आम इंसानों, हत्ता के ख़वातीन, बच्चों और मरीजों को तक अपनी वहशियाना बमबारी का शिकार बना रही है और तमाम दुनिया इसराइल की जालिमाना व दरिंदा सिफत कार्रवाई की मजम्मत कर रही है। जरूरत है कि तमाम इंसान दोस्त और जुल्म को नापसंद करने वाले इंसाफ पसंद अहबाब बिला लिहाज मजहब व मिल्लत इंसानियत की सरबुलंदी के लिए इसराइली जर्जरियत के खिलाफ आवाज उठाए और जंग बंदी का मुतालबा करे। वाज रहे कि इसराइल की वहशियाना अवामी आबादियों पर हमले और बमबारी से अब तक 20,000 अफराद बशमूल खवातीन और कमसिन बच्चे हलाक हो चुके हैं और लाखों अफराद बेघर व बेयारो मददगार हो चुके हैं। इसराइल और फलस्तीनी हमास की इस जंग में ये बात साफ महसूस हो रही है कि इसराइल हमास का सामना करने से कतरा रहा है और हमास के मुजाहिदीन के बजाय आम इंसानी आबादियों को अपना निशाना बनाकर हमास की फौज के हौसले पस्त करना चाहता है, क्योंकि जब भी इसराइल ने हमास के सिपाहियों से टकराने की कोशिश की उसको शर्मसार हजीमियत और नुकसान का सामना करना पड़ा। लिहाजा वो नेते बेगुनाह मासूम फलस्तीनी अवाम बिलखसूस ख्वातीन हत्ता के शीरखोर बच्चों को तक शहीद कर रहा है। इसराइल की फौज ने अपनी बुजदिली का इस जंग में साफ मुजाहरा किया, जबकि एक वक्त उसका दावा था कि वो महज 2 या 3 दिन में हमास का खात्मा कर देगा, बल्कि उल्टा खुद ही शर्मनाक हजीमियत का सामना कर रहा है और अपनी बौखलाहट और शर्मिंदगी से बचने के लिए मासूम अवाम को अपनी वहशियाना कार्रवाई का शिकार बना रहा है, जिसकी इंसानियत में कोई गुंजाइश नहीं। एसआईओ के इस एहतजाज में अलामती मैयतों को भी रखा गया था, जिसमें शीरखोर बच्चों की भी अलामती मैयतें शामिल थी। इस एहतजाज में शरीक नन्हे बच्चों ने इन मैयतों को संभाल रखा था, जिसको देखकर हर इंसान दोस्त शख्स की आंखें अश्कबार हो गई। एसआईओ के जिम्मेदारान व कारकुनों ने फलस्तीन की हिमायत और इसराइल की दरिंदा सिफत हुकूमत के खिलाफ फलक शिगाफ नारे बुलंद किए। जारी है, जहाँ पर मुसलसिल वो बर्बरियत कर रहा है। मर्द, हामिला औरतें, कमसिन और नौमौलूद बच्चों के साथ साथ मरीजों पर भी वहशियाना कार्रवाई की जा रही है, जिसमें मुसलसिल 20,000 लोगों को लक्मे अजल बना दिया गया और 20 लाख लोगों के घर बार उजाड़ दिए गए और वो मुसलसिल मौसम की मुसीबतों से वो जिंदगी गुजार रहे हैं। लिहाजा हम एसआईओ, आप तमाम हजरात, बिलखसूस अमन पसंद और जुल्म के मुखालिफ तमाम लोगों से हम ख्वाहिश करते हैं कि ये इसराइल की दादागिरी को, हिजड़ी को हम रुकाए और उसके सीज फायर और जंग बंदी की मुकम्मल हम भरपूर तायद करें।